मारवाड़ी गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, वार्ता भी गाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं लेकर आया हूं जी आपको शहर से बहुत ही दूर चोलिस्तान के इलाके में, और यहां पे मैं आपको मिलवाने वाला हूं जी हमारे हिंदू फनकारों से, मतलब हिंदू सिंगर हैं इधर, उनसे मिलवाऊँगा और हिंदू घर का विजिट भी करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो चोलिस्तान की ये रेत आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रेत और ये जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ पीछे बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चोलिस्तान के हमारे लोग जो हैं इस तरह के झोपड़ियाँ वगैरह में रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मिलवाऊंगा आपको यहाँ के सिंगर से, जो कि काफ़ी अरसे से गा रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, बल्कि उनके साथ गाती भी है, ठीक है। तो चलते हैं जी वीडियो की जानब, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, आपकी लाइक से तो मुझे सपोर्ट मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम डेज़र्ट में पहुँच चुके हैं, और ये देख लें जी कोई रोड वगैरह नहीं है और डेज़र्ट रेत ही रेत है। बाइक जो है वो भी धाड़े मार रही है, धुआँ मार रही है फ्रेंड्स, ठीक हो गया। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं सिंगर के घर, और मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और उनसे गीत सुनेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जी हमारे चोलिस्तानी राजस्थानी सिंगर के घर, और अभी इनसे मिलते हैं और इनसे गीत वगैरह भी हम सुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, ये जो है अपना वो राजस्थानी जो पटका सर पे बांधते हैं ना, वो बांध रहे हैं अभी। और उसके बाद जो हमने इन्हें कह दिया है कि जी हमने इनका इंटरव्यू वगैरह भी करना है, सही हो गया। तो अभी थोड़ी ही देर में ये पटका बनता है, तो उसके बाद जो है हम इनसे गीत वगैरह सुनेंगे। फ्रेंड्स ये वाला जो है ना, मतलब कंट्रास्ट कलर्स में ये जो पटका सर पे बांधते हैं, ये इधर चोलिस्तान की भी निशानी है और हिंदू धर्म के में जो है सनातन धर्म की भी निशानी है, सही है। तो ये देखें जी, इन्होंने अपना जो वो साफा बांधना था, पोतिया बांध लिया, ठीक है। तो ये कितने मीटर कपड़ा है जो आपने बांधा है? ये 9 मीटर का है। 9 मीटर का कपड़ा है जो इन्होंने जी पग बना के अपने सर पे बांधा है, ठीक है। और ये देख ले इनका ड्रेस। तो फ्रेंड्स मंदिर के सामने जो है ना, ये देखे ये घंटी लगाई हुई है, और वो सामने एक छोटा सा इनका मंदिर है, और यहाँ पे ये जो जगह बनाई हुई है, इधर ये सिंगिंग वगैरह करेंगे अभी। और तो ये जो एक देखें जी चोलिस्तानी जो रलियाँ हैं ना इधर की, वो बिछा दी गई हैं और अभी ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनते हैं जी इनसे मारवाड़ी राजस्थानी गीत।
ठीक है जी, तो इनसे जानते हैं ये जो फनकार इधर आए हुए हैं इनके क्या नेम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, और इनके पास कौन कौन सा फन है, ये क्या क्या काम करके जानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जी पहले इन भाई से। तो राम राम। तो भाई क्या नाम है आपका? मोहनलाल। तो मोहनलाल आप क्या क्या कर लेते हो? मैं भजन भी गाता हूँ। सही। और की गीत गाता हूँ। हाँ, और मरवाड़ी गाता हूँ। सही हो गया। और ये भाई जी ढोलक भी बजा लेते हैं। ये देखें जी भाई ढोलक के भी अपने महारत रखते हैं और गीत भी गा लेते हैं। सही है। और उसके साथ ही इनके जी बड़े भाई हैं, ठीक है, इनसे भी मिलेंगे, ठीक है। राम राम भाई। राम राम। तो भाई क्या नाम है आपका? ईसरदास। ईसरदास क्या क्या कर लेते हो आप? मैं मंजीरे बजा लेता हूं और भजन भी गा लेता हूं। ठीक है जी, ईसरदास भी मंजीरे भी बजा लेता है और भजन भी गा लेता है, ठीक है। इनके साथ ही इनके बड़े भाई बैठे हैं जी, उनसे भी मिलेंगे, ठीक है। तो राम राम भाई। राम राम। तो भाई क्या नाम है आपका? चेतन राम। चेतन राम। तो भाई का नाम है जी चेतन राम और भाई ये बजाते हैं। भाई इसको क्या बोलते हैं? इसको नारली बोलते हैं। नारली बोलते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, ठीक है जी। तो आपके उस्ताद का नाम क्या है? मनुराम जी। इनके उस्ताद जी इनके पास ही खड़े हैं और इनके अब्बू भी हैं, ठीक है, वो हैं जी इनके उस्ताद और अभी ये जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इनसे भी मिलेंगे। तो राम राम। जय श्री राम। तो क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम मनु जी भील। मनु जी भील। धन्यवाद गुलुकार। सही है जी, ये गुलुकार हैं जी, फनकार हैं, वैसे भी इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता हैं, ठीक है, और इधर जो है अपनी औलाद को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ साथ सिखा रहे हैं, ठीक है। इनसे जानेंगे आप जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम चोलस्तान के वासी हैं, सबको हेड फरीद चोलस्तान हमारा इलाका है, जो चक गांव होता है, चक है 239 चक। सही। इधर रहते हैं किले पर। तो आपको ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे काम करते कम से कम 30 से 35 साल हो गए। तो जी इनका 30 से 35 साल का तजर्बा है और ये भी नारेली बजाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आप भजन वगैरह गा भी लेते हैं? जी हाँ, गाते हैं, मारवाड़ी गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं, बारका भी गाते हैं। सही हो गया। अब थोड़ा सा लटारते हैं हम पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, हमारे जो बेटे हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी जी, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करने के लिए हम जी अपने बेटे को भी साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। ये देखे जी, ये चेतन राम इनका बेटा है और ये दोनों भी इनके बेटे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे छोटे फनकार हैं जी और मनु जी के बेटे हैं, ठीक है। I'm not afraid.
तो फ्रेंड्स मारवाड़ी गीत के बाद अभी इनसे भजन सुनेंगे जी हम फ्रेंड्स। ये है जी इनका छोटा सा मंदिर और अभी मैं मंदिर के अंदर से भी आपको विजिट करवाता हूँ जी। चोलस्थान के अंदर इन्होंने जो है अपना एक छोटा मंदिर बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको इसके अंदर से विजिट भी करवाता हूँ, सही है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे इधर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मूर्तियाँ वगैरह जो बहुत कम दस्तयाब होती हैं, लेकिन ये है कि देवताओं की तस्वीरें वगैरह हम लगा के इधर पूजा वगैरह कर लेते हैं, सही है। तो ये देख रहे हैं मंदिर के अंदर तकरीबन तमाम देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं, सही है। और नीचे इन्होंने जो है इधर अपनी पूजा का सामान वगैरह भी रखा हुआ है, संदूर और बाकी चीज़ें, और इधर दीपक जलाने के लिए जो है दीपक रखा हुआ है, और मंदिर के नीचे जो सजावट वगैरह की हुई है, और इसके अंदर जो है खुशन सफाई रखते हैं ये, और तस्वीरों के ऊपर जो है ये देखें इन्होंने शापर चढ़ाया हुआ है ताकि इसके ऊपर जो है मट्टी वगैरह ना पड़े, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुबह उठते ही इन्होंने जो है इधर अपनी पूजा वगैरह करनी होती है और उसके बाद भजन वगैरह जो है इधर बाहर ही करते हैं। राम राम भाई। राम राम। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद दास है। प्रहलाद दास जी। जी प्रहलाद दास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं चोलिस्तान के रहने वाला हूँ। चोलिस्तान के रहने वाले हैं जी, ठीक है। तो इधर चोलिस्तान में आपकी जो जिंदगी है वो किस तरह से गुजर रही है? जिंदगी यहाँ पर बारिश वगैरह आए तो चोलिस्तान में मौसम खुशगवार रहता है, सही। और शहर वगैरह हमसे दूर है, दुकानें वगैरह तो दूर है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी अच्छी गुजर रही है, सही। तो जो रोजी रोटी का आपका सर्किट है वो कैसे चलाते हो आप? वो जी जमींदारा। हाँ ठीक हो गया। खेती बाड़ी करके और जानवर पाल कर, ठीक है। माल मवेशी वगैरह पालते हो? जी जी माल। सही हो गया।